मलाइका मैम, मलाइका मैम एक फोटो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मलिया की नॉर्मल एडवेंचर्स। और आज है गुनू, आज कितनी डेट है? आज है 21st of October। दिवाली बिल्कुल आने वाली है, ऐसा लग रहा है अभी है दिवाली। तो अभी मैं उठी हूँ, बहुत लेट हो गई क्योंकि रात को मैं एडिट कर रही थी। एडिट करते करते मैं बहुत लेट सोई हूँ। जल्दी से उठते हैं, मैंने ब्रश कर लिया है, थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नहाते हैं और फिर जल्दी से कंटेंट शूट करते हैं। क्योंकि मैंने सोचा था मैं कल शूट करूँगी दिवाली मेकअप, पर हो ही नहीं पा रहा। मुझे लगा मैं दिवाली वाले दिन ही दिवाली मेकअप शूट करूँ। कॉफ़ी और अपना ओरिगैनो टोस्ट बना के ले आई हूँ, मेरा और गुन्नू का। ऑब्वियसली मैं चाट नहीं खाऊंगी। गुन्नू यहाँ बैठी है, मम्मी वहाँ बैठी है। मम्मा का फास्ट है आज, तो मम्मा फ्रूट्स कट कर रही है अपने लिए, क्योंकि सुंदर लग रही है लाल लाल पहन के। और मैं ऐसे संतरा बनी बैठी हूँ, ऑरेंज। हियर इज माय कॉफी। वल्ला, लुक एट माय डिनर। आलू फ्राई, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगते हैं। आलू मेरा कंफर्ट फूड है। दाल एंड दिस पराठा इज वेरी क्रिस्पी। मम्मा ने अभी बनाया है, स्पेशली दिस लेयर वाला पराठा, आई लव इट। मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं कराया, पर आज का दिन ऐसे ही जा रहा है। पर हाँ, मैंने एडिट कर ली है वीडियो, मैंने पब्लिक भी कर दी है, और एक और ब्रांड वीडियो मैंने अप्रूवल के लिए भेज दी है। जैसे ही अप्रूवल आता है मैं उसी पब्लिक कर दूँगी। इस व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। बाय। हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मैं सुबह सुबह ही मस्त नहा धो चुकी हूँ और मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है मेथी का पराठा। हम आए यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को वैसे सुबह सुबह, हम कॉफ़ी पर्सन सुबह के लिए, पर पराठे के साथ तो चाय ही चलता है ना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी है फॉर माई रूम। फाइनली मेरा रूम इतना गंदा हो रखा है, इतना ज़्यादा गंदा, मतलब गंदा नहीं, इट्स वेरी सिंपल, उसमें कुछ नहीं है गद्दे के अलावा। तो फिर मेरे को उसको थोड़ा सा ऐसे बनाना था कि मुझे सुबह उठ के थोड़ा सा बेटर फील हो, मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं अच्छा फील करूँ। मतलब एक एक स्टेप ले रहे हैं हम लोग बेहतर फील करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, जो सब करते हैं। तो अब बस हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी है फॉर माई रूम, एंड आई एम प्लानिंग अ रूम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। कुछ इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं करा है और कुछ इतना ज़्यादा बेहतरीन करने भी नहीं वाली हूँ अपने रूम के लिए, बट स्टिल अगर कुछ अच्छा लगा मुझे और फिर मेरे दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया आ गया एकदम से, तो फिर हम कुछ बहुत बेहतरीन करेंगे अपने रूम के साथ। तो मम्मा ने हमें प्रसाद दिया है, प्रसाद खाते हैं। बाबू प्रसाद भी लेटे लेटे खाता है, दोनों हाथ लेके खाते हैं प्रसाद इसका। मेरे को तो आपने नहीं दिया ऐसे खाने, इसका प्रसाद खाना देखते हैं बस। सो आई एम प्लानिंग टू फिल्म मेकअप वीडियो, क्योंकि मुझे अपना मेकअप अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है मेकअप में। सो दिस इज द बैकग्राउंड जिसे मैं डेकोरेट करने का सोच रही हूँ विद दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों के साथ मैं इस बैकग्राउंड को पूरा करूँगी और पीछे लाइट्स लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। बाय। दिस इज द बैकग्राउंड जो मैंने अभी बनाया है, और उसके सामने मैंने अपनी रिंग लाइट रख दी है मस्त। इसके पीछे पड़ा है बहुत सारा कबाड़ा जिसे हम इग्नोर करते हुए अपने सुंदर सेटअप के पास जाएंगे। और अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मैं फेस वॉश करके आती हूँ, कुछ इंडियन पहन के आती हूँ और कुछ करने का ट्राई करते हैं। मुझे पक्का नहीं पता मैं ये वीडियो डालूंगी या नहीं, पर जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, पर खाली बैठने से अच्छा है। चलो। सो आई जस्ट गॉट डन विद माई फर्स्ट मेकअप लुक, एंड दिस इज हाउ इट टर्न आउट, एंड आई लव इट। आई लव माई आईज, आई लव द entire face, like how perfectly it's blend. कितना ज़्यादा mess create हो जाता है अगर आप एक भी video shoot करते हो। and this is my background, और मैं यहाँ बैठी थी, and this is me। अब मुझे इसे हटाना है फिर दूसरी shoot करनी है। this is my life। टू विश दिवाली, मम्मी और पापा जी बुआ जी के घर गए हैं टू विश दिवाली। मैं और गुन्नू जा रहे हैं मार्केट से, हमें कुछ कुछ छोटे छोटे सामान लेके आना था, क्योंकि दिवाली वाली मार्केट लगी होगी ना, तो उसमें थोड़ा सस्ता चीज़ें मिल जाती हैं जो ऑनलाइन महंगी मिलती है। बाय, सी यू। हमारा मुन्ना हमें कैसे देख रहा है जाते जाते। बाय ड्यूकी। कब? इसे पता है, इसे पता है हम लेके नहीं जाएंगे, इसे ऐसे देख रहा है। बाय 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 स्वीटी।
वी जस्ट गॉट होम फ्रॉम द मार्केट और अब हम दोबारा इस मार्केट पर जा रहे हैं क्योंकि हम पहले दूसरी वाली मार्केट पर गए थे। हमें घर आया, हमने इतना सारा पाइन एप्पल खाया कि मेरा मुँह कट गया। अब पर हम फिर से मार्केट जा रहे हैं और फिर आके हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है जो मम्मी बोल के गई। अभी आए हैं और अभी जा रहे हैं फिर से और ये इतना ज़्यादा सैड है क्योंकि इसको मेरे साथ चलना है पर हमने इसे स्टे बोल दिया तो रुक गया है। अभी ये इतना हाई पड़ता है उसने स्टे बोला रुक गया है। सॉरी बेबी हम 5 मिनट में आ रहे हैं। बच्चा नहीं क्या हाँ गेट पे ऐसे आगे बैठ गया मुझे साथ में लेके चलो के लिए चली जाए मैं रुक जाती हूँ ना ना बहु 2 मिनट में आए चलो अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। पूजा करने के लिए मैंने बहुत सारा काम कर दिया है जो मम्मी ने मेरे को बोला था। अभी बारी है डिनर की एंड गुनू इज गोइंग टू मेक रेड सॉस पास्ता फॉर बोथ ऑफ अस क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत काम कर दिया। तो सीधा मुझे रूम भी क्लीन करना है जो मैं सारा खुला खाली छोड़ के गई थी ना बाहर क्लीन करेंगे। तो गुनू मेकिंग रेड सॉस पास्ता क्या पास्ता मिला नहीं तो हम मैक्रोनी से ही रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं। बड़े से मुझे फीका लग रहा है ये फीका लग रहा था हमने सारी चीज़ें डबल डाल दी है। जस्ट गॉट डन विद द एडिटिंग और मेरा सर भी दुख रहा है आँख भी धुल रही है और मैं ऐसे का ऐसे ही पड़ा है सामने पर एडिटिंग हो चुकी है। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को अपलोड पे लगा दूंगी और अब भूख लगी है तो जाके देखते हैं गुनू ने वो जो मैक्रोनी बनाई है वो कैसी बनी है उसको रिव्यू करते हैं लाइक अभी इसे खा के बताते कैसा है। बहुत ज़्यादा मिर्ची है मुझे लग रहा है लास्ट में जो हमने भर भर के डबल चिली फ्लेक्स और ऑरिगन डाल दिया ना उसने बहुत अच्छे से काम किया है और एक बाइट पे मेरे को बहुत मिर्ची लग रही है मतलब टेस्ट इज़ नाइस बस थोड़ी सी मिर्ची कम होती तो ये परफेक्ट बनती है। अब मैं ये इन्जॉय करती हूँ मैं यूट्यूब पर कुछ देखती हूँ आप लोगों से बाद में मिलूँगी। क्या बोरिंग ब्लॉग बना रही हूँ पर मैं कल कुछ अच्छा कर लूँगी बाय। चलो 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 आज ड्यूब को घुमाने के लिए हम आए हैं। हमारी मलाइका मैम तो हमें भाग ही नहीं दे रही है पाउच भी नहीं कर रही है। मलाइका मैम एक फोटो प्लीज मलाइका मैम। ये डॉग था अभी दबे पाँव भाग रहा था बिल्कुल दबे पाँव ड्यूब को देख के इससे भी ज़्यादा दबे पाँव जितना दबे पाँव अभी है ना इससे भी ज़्यादा दबे पाँव भाग रहा है ड्यूब को देख कर भोग भी रहा है।